કેમ જો બધા મજામાં? પર આ બધા સુખમાં ને? અંબામાના આશીર્વાદ બરાબર છે ને? મંચ પર બિરાજમાન ગુજરાત કે લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન વિજય રૂપાણીજી, ઉપમુખ્યમંત્રી શ્રીમાન નીતિનભાઈ પટેલ, કેન્દ્ર મેં મંત્રી પરિષદ કે મેરે સાથી, ઇસી ધરતી કે સંતાન શ્રીમાન હરિભાઈ ચૌધરી, પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા, ગુજરાત વિધાનસભા કે અધ્યક્ષ શ્રીમાન રમણભાઈ, બનાસ ડેરી કે અધ્યક્ષ ઓર રાજ્ય સરકાર કે મંત્રી શ્રીમાન શંકરભાઈ ચૌધરી, ભારતીય જનતા પાર્ટી કે ગુજરાત પ્રદેશ કે યુવા અધ્યક્ષ એવમ વિધાયક શ્રીમાન જીતુભાઈ વાઘાણી, રાજ્ય સરકાર મેં મંત્રી શ્રી દિલીપ ઠાકોરજી, ઈશ્વરભાઈ પટેલ, કેસાજી ચૌહાણ, મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન આણંદ કે અધ્યક્ષ શ્રી જેઠાભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત કે અધ્યક્ષ શ્રીમાન દિનેશજી, હમારે બહોત પુરાને વરિષ્ઠ નેતા શ્રીમાન પરબતભાઈ પટેલ, બનાસ ડેરી ઉપાધ્યક્ષ શ્રીમાન માવજીભાઈ મગનભાઈ દેસાઈ, મંચ પર બિરાજમાન સભી મહાનુભાવ ઓર વિશાળ સંખ્યા મેં પધારે હુએ બનાસકાંઠા કે મેરે પ્યારે ભાઈઓ ઓર બહેનો, આપકો લગતા હોગા આપણા નરેન્દ્રભાઈ હિન્દીમાં કેમ બોલે છે? અરે દેશ કો ભી તો પતા ચલના ચાહીએ કે બનાસકાંઠા કા કિસાન કૈસા કામ કરતા હૈ. મરુભૂમિ મેં ભી જાન ભરને કી તાકાત અગર હૈ તો બનાસકાંઠા કે કિસાન મેં હૈ, ઉત્તર ગુજરાત કે કિસાન મેં હૈ, જો અપના પસીના બહા કરકે જમીન મેં જાન ભર દેતા હૈ. ઓર ઇસલિયે દેશ કો પતા ચલે કે ઇસ બનાસકાંઠા જિલ્લા પાકિસ્તાન કી સીમા પર બિના પાણી બિના બરસાત રેગિસ્તાન જૈસી જિંદગી ગુજારતા હુઆ ઇન્સાન અપને પરાક્રમ સે પુરુષાર્થ સે અપને ભાગ્ય કો કૈસે બદલ સકતા હૈ, ઇસકા યે જીતા જાગતા ઉદાહરણ યે જિલે કે નાગરિક હૈ, ઉનકા પુરુષાર્થ હૈ ઓર ઉનકી સફળતાએં હૈ. ભાઈઓ બહેનો, મુજે બતાયા ગયા 25-27 સાલ કે બાદ કોઈ પ્રધાનમંત્રી કા બનાસકાંઠા જિલ્લે મેં આને કા હુઆ હૈ. ભાઈઓ બહેનો, મેં આપકે બીચ મેં પ્રધાનમંત્રી કે રૂપ મેં નહીં, ઇસ ધરતી કે સંતાન કે રૂપ મેં આયા. ઇસ મિટ્ટી ને મુજે બડા કિયા હૈ ઓર મેં આજ વિશેષ રૂપ સે આયા હું શ્રદ્ધે ગલબા ભાઈ કો
उनकी तपस्या को नमन करने के लिए आया हूं। लाखों पशुओं की तरफ से, लाखों परिवारों की तरफ से बनासकांठा की बंजर भूमि की तरफ से मैं आज गलवा भाई की शताब्दी के समारोह की शुरुआत में उनको शत शत नमन करता हूं, इन सब की तरफ से नमन करता हूं। आप कल्पना कीजिए, आज से 50 साल पहले जब गलवा भाई की उम्र 50 साल की थी, 8 छोटी छोटी दूध मंडली उससे शुरू किया और आज किसानों के सहयोग से, पुरुषार्थ परिश्रम से और उसमें भी बनासकांठा की, उत्तर गुजरात की मेरी माताओं बहनों के पुरुषार्थ के कारण, जिन्होंने पशुपालन को परिवार की सेवा का हिस्सा बना दिया, उन्होंने ये श्वेत क्रांति ला दी। आज बनास डेयरी की भी स्वर्णिम जयंती का अवसर है। ऐसा सुयोग है कि एक तरफ इस महान आंदोलन के जनक, श्वेत क्रांति के जनक गलवा भाई की शताब्दी और दूसरी तरफ उन्हीं के हाथों से बोए गया पौधा, 8 मंडली से शुरू हुआ पौधा आज बनास डेयरी के रूप में वटवृक्ष बन गया है, उसकी स्वर्णम जयंती का यह अवसर है। और इसलिए इस 50 वर्ष में जिन जिन महानुभावों ने इस बनास डेयरी को चलाया, आगे बढ़ाया, इस ऊंचाई पर ले गए, अनेक चेयरमैन आए होंगे, अनेक व्यवस्थापक आए होंगे, अनेक कर्मचारी रहे होंगे, मैं आज इस 50 साल की यात्रा में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है उन सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आप मुंबई जाएं, सूरत जाएं, किसी और इलाके में जाएं, तो कठिनाइयों में जिंदगी गुजारने के लिए गुजरात से कौन आया है तो ज्यादातर पता चलता था कच्छ और बनासकांठा के लोग अपना गांव, अपना इलाका छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं बाहर जाते थे, क्योंकि यहां कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। और भाइयों बहनों, हम पहले से कह रहे थे एक बार मां नर्मदा हमारी इस विनाश की धरती को आकर के छू लेगी, मेरा किसान मिट्टी को सोना बना करके रख देगा। आज उसने बनास की सूखी धरती को, इस रेगिस्तान वाली धरती को सोने में तब्दील कर दिया। मुझे बराबर याद है, मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था, कई सारे सवाल या निशान मेरे लिए लगाए जाते थे, ये मोदी मुख्यमंत्री क्या करेगा, ये तो कभी गांव का सरपंच नहीं रहा, कभी चुनाव नहीं लड़ा, इसको क्या आएगा, बड़ी मजाक उड़ती थी। उस समय मेरा सबसे पहला सार्वजनिक कार्यक्रम डीसा में हुआ था, इसी धरती पर हुआ था,
इसी मैदान में हुआ था और वो था लोक कल्याण मेला। और उस दिन मैंने जो नजारा देखा था आज उससे अनेक गुना नजारा बड़ा मेरी आंखों के सामने देख रहा। भाइयों बहनों, मुझे बराबर याद है बनासकांठा के किसान मुझ पे बहुत नाराज रहते थे, गुस्सा करते थे, कभी कभी मेरे पुतले जलाते थे और फिर भी मैं हिम्मत करके उनके बीच जाता था और मैं उनको कहता था कि अगर बनासकांठा का भाग्य बदलना है तो हमें पानी बचाना पड़ेगा, बिजली के तार छोड़ने पड़ेंगे, किसान को बिजली नहीं पानी चाहिए। ये बात मैं उस समय बताता था, नाराजी मोलता था, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि वही बनासकांठा, वही मेरे बनासकांठा के किसान, उन्होंने मेरी बात को सर आंखों पे चढ़ाया और आज ड्रिप इरिगेशन में, टपक सिंचाई में, स्प्रिंकलर में पूरे गुजरात में नंबर एक पर लाकर के खड़ा कर दिया। मैं उन सभी किसानों को, मैं आज उन सभी किसानों को सर झुका करके नमन करता हूं। उन्होंने न अपना भाग्य बदला है, ऐसा नहीं है, उन्होंने आने वाली अनेक अनेक पीढ़ियों का भी भाग्य बदल दिया है। मुझे याद है 2007 या 8 का वर्ष होगा, ऐसा ही एक किसानों के लिए कार्यक्रम मेरा था तो मैं बनासकांठा में आया था। तो हमारे एक मित्र हैं, दिव्यांग हैं, श्री गेना जी। गेना जी हमारे लाखणी तहसील से हैं, तो गेना जी चल तो पाते नहीं है, दिव्यांग है, लेकिन बड़े प्रगतिशील किसान हैं। वो इतना बड़ा दाड़म लेकर के, अनार लेकर के मुझे भेंट करने आए, नरियल से भी बड़ा था। मैं हैरान था, मैंने उनसे पूछा, भाई ये कमाल कैसे किया है आपने? बोले साहब, आज तो मेरे खेत में पूरे जिले के लोग देखने के लिए आते हैं और आप देखना, धीरे धीरे दाड़म की खेती में बनासकांठा आगे निकल जाएगा। एक गांव के मेरे गेना जी, सरकारी गोरिया के हैं ना गेना जी, आए होंगे शायद, कहीं बैठे होंगे हमारे गेना जी, कहीं बैठे होंगे। क्या कमाल करके रख दिया भाइयों बहनों, बनासकांठा के किसान ने प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी छवि छोड़ी है। और एक दो किसान नहीं, एक आंदोलन खड़ा हुआ है। आज भी बनासकांठा के किसानों ने प्रति हेक्टर आलू की पैदावार का जो रिकॉर्ड किया है, उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। ये काम बनासकांठा ने कर दिया। आज बनासकांठा पोटैटो के लिए भी जाना जाने लगा है। भाइयों बहनों, किसान के लिए कुछ चीजें कैसी वरदान होती है। गलवा भाई ने जब डेयरी का काम शुरू किया, जहां पानी ना हो, रेगिस्तान हो, 10 साल में 7 साल अकाल रहता हो, जहां किसान ईश्वर की इच्छा पर ही जिंदगी गुजारता हो, उसके लिए तो आत्महत्या एक ही रास्ता बच जाता था। लेकिन इस जिले ने किसानों को पशुपालन की ओर मोड़ दिया, दूध उत्पादन की ओर मोड़ दिया और पशुओं की सेवा करते करते, दूध क्रांति करते करते अपने परिवार को भी चलाया, बच्चों को भी पढ़ाया और जीवन को आगे ले गए। भाइयों बहनों, यही बनासकांठा, यही गुजरात जिसने श्वेत क्रांति का नेतृत्व किया था,
आज मुझे खुशी हुई कि बनास डेयरी ने श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति का भी बिगुल बजाया है। जहां श्वेत क्रांति हुई वहां अब स्वीट क्रांति भी होने वाली है। मधु क्रांति, शहद, बनास ने डेयरी के दूध की जैसी व्यवस्था की है, किसानों को शहद के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए ट्रेनिंग देना शुरू किया। आज उसके हनी में से पहला पैकेजिंग बना करके उन्होंने मार्केट में रखा है। मेरा पूरा विश्वास है गुजरात में जो डेयरी का नेटवर्क है और करीब करीब सभी जिलों में डेयरी का नेटवर्क है, किसानों की समितियां बनी हुई है, दूध के साथ साथ खेतों में अगर मधुमक्खी पालन भी किसान पकड़ ले तो जैसे दूध भरने जाते हैं वैसे मधु भरने जाएंगे, मध भरने जाएंगे, शहद हनी ले जाएंगे और डेयरी की गाड़ियों में दूध भी जाएगा, शहद भी जाएगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट, अतिरिक्त कमाई का एक नया रास्ता। गुजरात के सभी डेयरी, सभी किसान इस रास्ते पर चल करके इस श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति को भी ला सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। दुनिया में शहद की मांग है, बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम शहद में भी आगे निकल जाएं, और जब नर्मदा का पानी आया है, नर्मदा के नजदीक के इलाकों में तो बहुत बड़ी मात्रा में इसका लाभ मिलता है। फर्टिलाइजर उपयोग करने के तरीके बदलने पड़ते हैं लेकिन लाभ इतना बड़ा होता है। और जैसा बनासकांठा के किसान का मन बदला है ये भी बदल के रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज बनास डेयरी ने अमूल ब्रांड के साथ चीज का प्रोडक्शन का भी एक प्लांट शुरू किया। गुजरात में जितनी भी डेयरियां वो चीज के काम से चली हुई हैं, आप हैरान होंगे, दुनिया के कई देश हैं वे अमूल के ब्रांड की चीज मांगते हैं। जितनी पैदावार होती है तुरंत उठ जाती है, लोग ग्राहक मिल जाते हैं। आज उसमें एक इजाफा बनास डेयरी के द्वारा हो रहा है, मैं उनको बधाई देता हूं। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आज डेयरी ने लिया है, कांकरेज की गाय। इस नस्ल का मूल्य हम जानते हैं, वैज्ञानिक तरीकों ने भी गिर की गाय, कांकरेज की गाय, इसका महत्व स्वीकार किया है। अब ए टू मिल्क, जिस कांकरेज की गाय के दूध की एक विशेषताएं हैं, विशेष तत्व हैं, उसको आज उन्होंने मार्केट में रखा है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जहां बच्चों को कुपोषण की समस्या है, ऐसे बच्चों के लिए ए टू मिल्क, कांकरेजी गाय का ए टू मिल्क उनके स्वास्थ्य के लिए उपकारक होने वाला है, ऐसा एक भगीरथ काम भी आज यहां शुरू हुआ है। यहां कांकरेज की नस्ल को बढ़ावा देना, उसमें सुधार करना, उसकी क्षमता में सुधार करना, उसकी पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना, उसके लिए भी वैज्ञानिक तरीके चल रहे हैं। मैं बनास में जब आया हूं तब मैं बनास डेयरी से चाहूंगा कि वो एक काम और भी करें, और कर सकते हैं। बनास हो, साबर डेयरी हो, दूधसागर डेयरी हो, ये तीनों मिलकर के भी कर सकते हैं। दो चीजें हम ऐसी पैदा करते हैं हमारे किसान, लेकिन हम सस्ते में बेच देते हैं, और जो हम कैस्टर की खेती करते हैं, दिवेला, एरंडा, 80% खेती हमारे यहां होती है उसका उत्पादन,
उस पर इतनी वैल्यूएडिशन होती है, इतनी प्रोसेस होती है, सारी दुनिया के महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में, स्पेस शटल की टेक्नोलॉजी में ये कैस्टर के ऑयल से बनी हुई चीजें सबसे सफल रहती है। लेकिन हम जो हैं अभी भी हमारा दिवेला एरंडा जो कहे ऐसे का ऐसा बेच देते हैं। ये बनास, दूधसागर, साबर एक रिसर्च सेंटर बनाए और हम हमारे किसान जो यहां पर कैस्टर पैदा करते हैं, एरंडा पैदा करते हैं, दिवेला पैदा करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करें और हमारा ये कीमती संपत्ति पानी के मोल से बाहर चली जाती है, उसे हम बचाएं। दूसरा है इसबगुल। इसबगुल की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, उसमें बहुत वैल्यू एडिशन हो सकता है। जब कुरियन जिंदा थे तो श्रीमान कुरियन जी को मैंने कहा था कि आप इसबगुल पर वैल्यू एडिशन पर काम कीजिए। उन्होंने प्रारंभ किया था, आइसक्रीम बनाया था इसबगुल का और आइसक्रीम का नाम दिया था इसबगुल। आनंद में शुरुआत की थी उन्होंने उस समय। इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट है इसबगुल का, उसके संबंध में भी अगर वैज्ञानिक तरीके से हम काम करें तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और हमें लाना चाहिए। भाइयों बहनों, इन दिनों पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है, नोटों का क्या होगा। आप मुझे बताइए, 8 तारीख के पहले 100 की नोट की कोई कीमत थी क्या? 50 की नोट की कोई कीमत थी क्या? 20 की नोट की कोई कीमत थी क्या? छोटे को कोई पूछता था क्या? हर कोई बड़ों को ही पूछता था, 1500 1500 1500। 8 तारीख के बाद देश देखिए 100 का मूल्य कैसा बढ़ गया, कैसी ताकत बढ़ गई, उसकी जान आ गई। भाइयों बहनों, जैसे 8 तारीख के पहले बड़ों की पूछ होती थी, 1000 और 500 की ही गिनती गिनी जाती थी, 20 50 100 को कोई पूछता नहीं था, छोटे की तरफ कोई देखता नहीं था, 8 तारीख के बाद बड़ों की ओर कोई देखने को तैयार नहीं है, सब छोटे के लिए तैयार हो गए हैं। भाइयों, ये फर्क आया है। और जैसे बड़ी नोट नहीं, छोटी नोट की ताकत बड़ी है, बड़े लोग नहीं, छोटे लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए यह बहुत बड़ा फैसला मैंने किया। देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, जैसे 100 रुपये की ताकत बढ़ गई, वैसे गरीब की ताकत बढ़ाने के लिए ये मैंने काम किया है। आप कल्पना कर सकते हैं भाइयों, आपने देखा होगा, कुछ भी खरीद करने जाओ, कच्चा बिल की पक्का बिल, बिल मांगोगे तो छोटा व्यापारी भी कहता है नहीं नहीं बिल में लेना है तो दूसरी दुकान पे जाओ, कैश देना है तो ले आओ, ऐसा ही चला। मकान चाहिए, मकान वाला कहता है चेक में इतना, रोकड़े में इतना। अब वो गरीब आदमी रोकड़ा लाएगा कहां से? भाइयों बहनों, इस प्रकार से नोटें छापते गए छापते गए छापते गए और देश, उसका अर्थतंत्र ये नोटों के ढेर के नीचे ही दबने लग गया। भाइयों बहनों, मेरी लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवादियों को ताकत मिलती है जाली नोट से और हम तो सीमा पार क्या हो रहा है सब जानते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं, कैसी मुसीबतें हमें झेलनी पड़ी है ये बनासकांठा पाटन जिले के लोग ज्यादा जानते हैं। भाइयों बहनों, जाली नोट के कारोबारी
हिंदुस्तान में जितनी हो हल्ला है ना, उससे ज्यादा बाहर है। जाली नाटों के कारोबारियों में बाहर है। नक्सलवाद, सारे नौजवान सरेंडर होकर के वापिस आने लगे हैं। हर किसी को लगता है अब मुख्य धारा में वापिस आना चाहिए। आतंकवादियों को जहां से ताकत मिलती थी उन रास्तों को रोकने में सफल हुए। ये जाली नोट का कारोबार, उसका मृत्युकंठ एक दिन ने से किया है भाई। भ्रष्टाचार, काला धन, ये भ्रष्टाचार और काले धन में पीड़ा किसको होती थी? किसी बेईमान को न भ्रष्टाचार से परेशानी थी, न काले धन से परेशानी थी। एक भ्रष्टाचारी को दूसरे भ्रष्टाचारी को कुछ देना भी पड़ता था तो भी देने वाला भ्रष्टाचारी दुखी नहीं था। अगर दुखी कोई था तो इस देश का ईमानदार नागरिक दुखी था। परेशान था तो इस देश का ईमानदार नागरिक परेशान था। 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को, 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को आपने लूटा, आपने परेशान किया, उसको जीना मुश्किल कर दिया। आज मैं जब ईमानदारों के साथ खड़ा हूं तो अब ईमानदारों को भड़काया जा रहा है और मुझे खुशी है। मेरे ईमानदार देश के नागरिकों ने लाखों भड़काने के बावजूद भी सरकार के इस निर्णय का साथ दिया है। मैं 125 करोड़ देशवासियों को सत सत नमन करता हूं कि इतना बड़े काम में उन्होंने मेरी मदद की। भाइयों बहनों, आजकल बड़े बुद्धिमान लोग भाषण सुनाते हैं कि मोदी जी आपने इतना बड़ा निर्णय किया लेकिन हमारे जीते जीते कोई लाभ नहीं मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में एक चार्वाक ऋषि हो गए। ये चार्वाक ऋषि कहते थे ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। वो कहते थे अरे मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, कौन जाता है, जो मौज करनी है अभी कर लो, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो। इस चार्वाक की फिलॉसफी को कभी भी हिंदुस्तान ने स्वीकार नहीं किया। हमारा तो देश ऐसा है, बूढ़ा गरीब मां बाप, पैसे बहुत कम हो तो बूढ़ा बाप और बूढ़ी मां बात करते हैं कि ऐसा करो, शाम को सब्जी बनाना बंद कर दो, थोड़े पैसे बच जाएंगे तो मरने के बाद बच्चों के काम आ जाएंगे। मेरा देश, मरने के बाद मेरा क्या होगा ये कभी चिंता नहीं करता है। मेरा देश, मेरे बाद की पीढ़ियों का भला क्या हो ये सोचने वाला देश है। मेरा देश स्वार्थी लोगों का देश नहीं है। मेरे देश का चिंतन सुख के लिए, खुद के सुख के लिए जीने वाला नहीं है। मेरा देश का चिंतन भावी पीढ़ियों के सुख के लिए चलने वाला है। ये नए चार्वाक लोग जो पैदा हुए हैं, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ये जो बातें करने वाले लोग हैं, उनको 50 बार सोचना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पार्लियामेंट चल नहीं रही है, चलने दी नहीं जा रही है। हमारे देश के राष्ट्रपति सार्वजनिक जीवन में उतना लंबा अनुभव है, शासन चलाने वाले श्रेष्ठतम लोगों में से हमारे राष्ट्रपति जी रहे हैं। वो अलग राजनीतिक विचारधारा में पले बड़े हैं लेकिन देश की संसद में जो कुछ भी हो रहा था उससे इतने पीड़ित हो गए, इतने दुखी हो गए कि 2 दिन पहले
उनको सांसदों को सार्वजनिक रूप से टोकना पड़ा, विरोध पक्ष को नाम देकर के टोकना पड़ा। और मैं हैरान हूं, सरकार कहती है हम चर्चा चाहते हैं, सरकार कहती है प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार है, सरकार कहती है प्रधानमंत्री आकर के कहने को तैयार है, लेकिन उनको मालूम है उनका झूठ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं। और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया है भाई। और जिस दिन मौका मिलेगा लोकसभा में भी 125 करोड़ देशवासियों की आवाज मैं जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मैं विरोधी दल के मित्रों से आज महात्मा गांधी की इस धरती से, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस धरती से सार्वजनिक रूप से आग्रह करना चाहता हूं। जब चुनाव होते हैं हम सभी दल एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, आरोप प्रत्यारोपण करते हैं, अच्छी और बुरी नीतियों की चर्चा करते हैं, हर प्रकार से अपने विरोधियों पर जैसा मारना मार कर सकते करने की कोशिश करते हैं, सभी दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, बाकी सब छोटे मोटे दल भी सब करते हैं, लेकिन सभी पार्टियां एक काम जरूर करती है, क्या? मतदाता सूची को ठीक करना, अधिकतम लोग मतदान करने आए इसकी चिंता करना, मतदाताओं को कैसे बटन दबाना वो सिखाना सभी दल करते हैं। एक तरफ तो नीतियों का विरोध करते हैं, दूसरे को पराजित करने की ताकत लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सब मतदाता सूची पे ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे ध्यान देते हैं, अधिक लोग मतदान करने के लिए आए इस पर ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि लोकशाही हम सबकी जिम्मेवारी है। मैं विरोध पक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप ये तो नहीं कहने की हिम्मत कर रहे हो कि मोदी 1000 और 500 वाला नीट वापिस ले लो, क्योंकि आपको मालूम है जनता का मिजाज बदला हुआ है। हाँ, कुछ लोगों ने कहा, अच्छा मोदी जी ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा करो एक हफ्ते के लिए रोक लो। क्यों भाई? ये हफ्ते में कौन सा जादू होने वाला था? ये एक हफ्ता रोकने के इरादा क्या था? लेकिन कोई दल ये नहीं कहता है कि निर्णय को रोल बैक करो, सब दल कहते हैं ठीक से लागू करो। मैं सभी दलों से कहना चाहता हूं कि जैसे चुनाव में हम एक दूसरे का घोर विरोध करते हैं, लेकिन मतदान बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, मतदाता सूची के लिए मेहनत करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की ट्रेनिंग के लिए मेहनत करते हैं, आज समय की मांग है क्या? आप खुल करके मेरा विरोध करिए, मेरी आलोचना करिए, लेकिन लोगों को बैंकिंग सिखाने के लिए काम कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से पैसे कैसे लिए जाते दिए जाते ये सिखाइए। हम सब मिलकर के देश को भाग्य बदलने का एक ऐसा उत्तम अवसर आया है, हम सब उसको काम करें और आप भी फायदा उठाइए। मुझे खुशी होगी मेरे विरोधी दल के लोग जन जन को इस काम में लगा करके अगर राजनीतिक फायदा उठाते हैं तो देश का भला हुआ, इसका मुझे आनंद होगा भाइयों। अरे राजनीति से ऊपर राष्ट्र नीति होती है, दल से बड़ा देश होता है। भाइयों बहनों, गरीबों पे बातें करना अलग होती है, गरीबों के लिए नीतियां बना करके कठोरता से लागू करने के लिए समर्पण का भाव लगता है और समर्पित भाव से आज ये सरकार आपकी सेवा में लगी है। भाइयों बहनों,
मैंने पहले दिन से कहा है, ये निर्णय मामूली नहीं है मेरे भाइयों बहनों, बहुत मुश्किल बड़ा निर्णय है, कठिन निर्णय है। और मैंने कहा था बहुत तकलीफ पड़ेगी, मैंने कहा था मुसीबत आएगी, और 50 दिन ये तकलीफ होगी ही होगी, और तकलीफ रोजमर्रा थोड़ी बढ़ती भी जाएगी, लेकिन 50 दिन के बाद मैंने हिसाब किताब लगाया है, वो एकदम से धीरे 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 करके पहले जैसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ेगा। 50 दिन तक ये कठिनाइयां रहने वाली है, 50 दिन के बाद आप ही देखेंगे कि धीरे 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 आपकी आंखों के सामने परिस्थितियां सुधरती नजर आ जाएगी। भाइयों बहनों, देश भ्रष्टाचार से मुक्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। और कुछ लोग, आपने देखा होगा इन दिनों सरकार बराबर पीछे लग गई है, बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं, चारों तरफ उनको लगा था कि ठीक है मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं, ये सबके सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना 3 महीना 6 महीना जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाइयों बहनों, उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को चूर चूर करने का पाप जिन्होंने किया है वो बचने वाले नहीं है, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आपने मुसीबत झेली है, तकलीफ झेली है, अभी भी झेलनी है, आपका आशीर्वाद देश के लिए। और जो लोग कहते हैं ना ईमानदार लोग लाइन में खड़े हैं, ईमानदार अपने लिए नहीं खड़ा रहता है, वो देश के लिए खड़ा रहता है। भाइयों बहनों, वो देश के लिए खड़ा रहता है, और इसलिए दूसरा, आज जमाना बदल चुका है भाई। एक जमाना था हमारे दादा दादी, उनसे सुनेंगे तो बताते थे कि हमारे जमाने में तो चांदी का गाड़ा ना पैड़ा जोड़ो रुपयो तो एम के आपने कि बैलगाड़ी के पहिए जितना बड़ा रुपया चांदी का हम देखते थे, उपयोग करते थे। भाइयों बहनों, ये चांदी के रुपये से बदलते 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 कितनी मेटल बदल गई, तांबा आया और आया, न जाने क्या क्या आया, और धीरे धीरे करके हम कागज में चले गए कि नहीं चले गए। अब याद आता है कि चांदी का रुपया होगा तभी रुपया माना जाएगा, याद आता है क्या? अब वो रुपया कागज का भी हमारे जिंदगी का हिस्सा बन गया। कभी चांदी का रुपया हुआ करता था, धीरे धीरे कागज का रुपया आ गया। भाइयों बहनों, अब वक्त बदल चुका है, अब तो आपके मोबाइल फोन में ही आपका बैंक आ गया है, आपका बटवा भी आपके मोबाइल फोन में है, आप चाय पीने जाएं, बटन दबाए चाय वाले को पैसा पहुंच जाएगा, रिसीट मिल जाएगी। बीच में लोग चेक देते थे, चेक फाड़ते थे, 2 महीने के बाद पता चलता था कि चेक वापिस आया, बाद में केस कोर्ट में जो सबसे ज्यादा केस चलते हैं वो चेक वापिस आने के चलते हैं। आप नौजवानों का धन्यवाद, आपने बहुत बड़ा काम उठाया है, मैं आपको बधाई देता हूं, और बनासकांठा जिले को आप ई बटवा से जोड़ दीजिए। भाइयों, लोगों को ई मोबाइल बैंकिंग से जोड़ने में सफल होंगे, मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि अब वो कागज की नोटों का भी जमाना पूरा होने जा रहा है,
अब तो आपके मोबाइल फोन में आपकी बैंक है, एक बार बैंक में जमा हो गया आपको बैंक में कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, आपको एटीएम के बाहर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अखबार में एडवर्टाइजमेंट आता है, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है, आप अपने मोबाइल फोन से अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हैं तो आप अपने पैसों का जो खरीदना खरीद सकते हैं। चेक तो बाउंस होता था, इसमें तो जैसे ही पैसे दोगे तो सामने रिसीट आ जाता है, पैसा मिल गया या पैसा पहुंच गया, कोई बाउंस बाउंस होता ही नहीं, वहीं पता चल जाता है कि रुपया गया कि नहीं गया। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान दुनिया में तेज गति से आगे जाना चाहता है। ये नोटों के बंडलों के ढेर, ये नोटों के पहाड़ हमारे अर्थतंत्र को दबोच रहे हैं, काले धन और भ्रष्टाचारियों को वो काम आ रहे हैं, गरीब की ताकत कम हो रही है। जैसे हजार की नोट की कीमत थी, 100 की नहीं थी, अमीर की थी, गरीब की नहीं थी, आज गरीब की भी ताकत बढ़ गई है, 100 के नोट की भी ताकत बढ़ गई है। और अगर आपने ई बटवा कर लिया, बैंकों की कतारें खत्म करके बैंक को ही अपने मोबाइल में ले गए, आपको बैंक की कतार में जाने की जरूरत नहीं, बैंक आपके मोबाइल की कतार में खड़ी हो जाएगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं, मैं मीडिया के मित्रों से विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं, मोदी की आलोचना करना आपका हक है, आप जरूर कीजिए। कतार में जो खड़े रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है वो आप दिखाते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन साथ साथ आप ये भी सिखाइए कि अब कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, बैंक आपके मोबाइल फोन की कतार में खड़ा हो जाएगा, बैंक वाला आएगा कि मुझे आपके यहां रख लो। वो दिन आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, व्यवस्था उपलब्ध है। भाइयों बहनों, अब देश भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगा, अब देश जाली नोट सहन नहीं करेगा, अब देश काला धन सहन नहीं करेगा। गरीबों को लूटने का खेल, मध्यम वर्ग को शोषण करने का खेल अब नहीं चलेगा, और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। खड़े रह करके दोनों हाथ से ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, मेरे ओडिशा के भाइयों बहनों आशीर्वाद दीजिए, पूरे ताकत से आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, ये लड़ाई भारत का भाग्य बदलने की है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार को खत्म करने की है, ये लड़ाई काले धन का खात्मा बुलाने के लिए है, ये लड़ाई जाली नोटों से देश को मुक्त कराने की है, और उसमें इस बनास की धरती ने मुझे आशीर्वाद दिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपका बहुत बहुत आभारी हूं। फिर से बोलिए, भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए, पूरा देश सुन रहा है, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।